बिहार में भी बदलाव हुआ शुरू। नाम बदलने की हुई शुरुआत। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का बदला नाम। बीजेपी को रास नहीं आया बिहार सरकार का ये काम। बिहार के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार यहां अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदल रही है। राज्य सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने जो यह अखबार में खबर छापी है कि अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम कोकोनट पार्क किया जा रहा है, वह सही नहीं है। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में अन्यत्र एक पार्क था जिसका नाम इन दिवंगत नेता के नाम पर था, लेकिन इस पार्क का नाम तब से ही कोकोनट पार्क है। पटना के अन्य पार्कों को सड़क निर्माण विभाग ने नवम्बर 2022 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंपा था। पटना का अटल पार्क अब कोकोनट पार्क के नाम से जाना जाएगा। बिहार सरकार में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप ने अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलने का फैसला किया है। पार्क का नाम बदलने पर अब राजनीति भी होने लगी है। दरअसल पटना के कंकड़बाग स्थित एक पार्क का नाम पहले कोकोनट पार्क ही था। साल 2018 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति इस पार्क में लगाई गई थी, साथ इसका नाम बदलकर अटल पार्क रखा गया। हालांकि अब फिर इसका नाम कोकोनट पार्क रखने पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी इसको लेकर बिहार सरकार पर हमलावर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अटल जी के प्रति प्रेम को दिखावा बता रही है। वहीं सोमवार यानी 21 अगस्त को वन विभाग ने लोकार्पण कार्यक्रम भी रखा था। हालांकि इस कार्यक्रम में मंत्री तेज प्रताप यादव खुद नहीं पहुंचे। जब उनसे पार्क का नाम बदलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वह केवल इतना ही बोलते नजर आए कि पार्क का नाम पहले से ही कोकोनट पार्क है। बेफजूल में ही बीजेपी के लोग इस पर मुद्दा बना रहे हैं। मीडिया में इसको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पार्क का नाम बदलने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पार्क का नाम बदलना अपमानजनक है। उनके नाम को हटाना अपराध के बराबर है। देश और जनता तेजस्वी यादव से सवाल करेगी। सीएम नीतीश कुमार अब भी उन्हें रोक सकते हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि अगर अब भी नहीं रोकेंगे तो तेजस्वी यादव उनका नाम भी बदल देंगे। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की पोल खुल गई है। नीतीश कुमार हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते रहते हैं, लेकिन अब उनकी सरकार में पटना में स्थित पार्क का नाम बदला जा रहा है और नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं।